पर्सनल लोन की बढ़ती ग्रोथ को लेकर आरबीआई परेशान है। केंद्रीय बैंक ने लेंडर्स यानी कर्ज देने वाले संस्थानों से पर्सनल लोन देने में सावधानी बरतने के लिए कहा है, साथ ही में कहा है कि इस लोन से जुड़े रिस्क वेटेज को बढ़ाइए। और इसके बाद ये देखने को मिला कि निजी क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, सभी ने पिछले कुछ महीनों में पर्सनल लोन की ब्याज दरें आधा फीसदी तक बढ़ा दी हैं। पर्सनल लोन को लेकर के इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। वो लोन जो बिना किसी सिक्योरिटी के गिरवी रखे मिलता है, वो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का खर्च, टीवी, एसी, फ्रिज जैसे लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन पर जोखिम कम होता है, क्योंकि ये लोन जब दिया जाता है तो उसके बदले में एक सिक्योरिटी, कुछ सामान गिरवी रखा जाता है। इसीलिए सिक्योर्ड लोन जो है वो कम जोखिम वाला माना जाता है, और साथ ही में पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन से ये सस्ता भी होता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में पर्सनल लोन का कुल बकाया 28.7% बढ़कर 54.56 लाख करोड़ रुपए हो गया, और इसमें क्रेडिट कार्ड के कर्ज के रूप में करीब 2.68 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। मई 2023 की तुलना में क्रेडिट कार्ड का बकाया 26% बढ़ा है। आरबीआई की चिंता है कि एसेट क्वालिटी अगर खराब हुई तो फंसा हुआ कर्ज बढ़ सकता है, इससे बैंकिंग सेक्टर में एनपीए का दबाव बढ़ेगा, यानी यहां संकट बढ़ सकता है। इसीलिए वो पर्सनल लोन की ग्रोथ पर लगाम लगाने के प्रयास में जुटा है। आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैंकों को अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए रिस्क वेटेज के रूप में अधिक प्रोविजन यानी ज्यादा पूंजी अलग रखने का निर्देश दिया था, और इसका मकसद यही था कि इस कैटेगरी के कर्ज की बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगाई जा सके। आरबीआई की नसीहत पर अमल करते हुए बैंकों ने नवंबर में पर्सनल लोन की प्रोविजनिंग को 100% से बढ़ाकर 125 कर दिया। ये सब क्यों किया, ये समझिए। एसेट क्वालिटी में गिरावट आने की स्थिति में पड़ने वाले असर को कम करने के लिए कर्ज के नियमों में ये सख्ती बरती जा रही है। बढ़े हुए बोझ की भरपाई के लिए बैंक पर्सनल लोन को महंगा कर रहे हैं, ताकि लोग डिस्करेज भी हों इसे लेने से। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक अप्रैल से पर्सनल लोन पर न्यूनतम 11.5% सालाना ब्याज वसूल रहा है, जो कि मार्च में 10.35% के स्तर पर था। इसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए, पर्सनल लोन की ब्याज दर 10.99% यानी ऑलमोस्ट 11% पर पहुंच गई है, जो रिस्क वेटेज में वृद्धि की घोषणा के समय 10.50% थी। ICICI बैंक में भी इसी तरह की बढ़ोतरी है। ICICI बैंक का पर्सनल लोन 10.80% पर अब पहुंच गया है, और जब RBI ने रिस्क वेटेज बढ़ाया था तब ये ब्याज दर 10.50% पर थी। इस बीच RBI के रिस्क वेटेज की घोषणा के बाद एक्सिस बैंक ने भी पर्सनल लोन की ब्याज दर में इसी तरह बढ़ोतरी कर दी है। अब ब्याज दर जो पहले 10.49% था वो बढ़कर 10.99% पर पहुंच गया है। पूर्व बैंकर KB सिंह कहते हैं कि रिस्क वेटेज बढ़ने के कारण बैंकों का मुनाफा प्रभावित हुआ है, इसकी भरपाई के लिए बैंक पर्सनल लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ने का एक और असर ये होगा कि लोग जरूरत के लिए ही इस कर्ज की तरफ जाएंगे, इससे पर्सनल लोन की ग्रोथ पर भी कुछ हद तक अंकुश तो लगेगा ही। RBI की मंशा है कि लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए ही पर्सनल लोन लें, और बैंक लोन देने में सावधानी बरतें, जो लोन दिया है उसकी वापसी सुनिश्चित करें। बैंकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, और इसकी भरपाई के लिए आने वाले दिनों में पर्सनल लोन और महंगा हो सकता है।